क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर थ्री बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसके अंदर कहा गया है कि एक ट्रायंगल है एक्स वाई जी, उसके अंदर एक्स वाई लेंथ 5.5 सेंटीमीटर है, एक्स जी लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है और एंगल जी 90 डिग्री है। तो जिस ट्रायंगल में दो साइड्स और एक एंगल 90 डिग्री दिया हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, और वो ड्रॉ कैसे करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। ये जो दो साइड्स गिवन है इनमें से किसके अंदर एंगल जी की बात हुई है? इसमें एक्स वाई लिखा हुआ है लेकिन जी का जिक्र नहीं हुआ, इसमें जी एक्स की बात हुई है यानी एंगल जी की बात हुई है इसमें। तो ये वाली साइड बेस के तौर पे यूज़ करेंगे। जो एंगल गिवन हो अगर वाई दिया होता तो एक्स वाई और जी एक्स में से एक्स वाई वाली चूज़ करते हैं क्योंकि इसमें वाई की बात हुई है, इसमें जी की बात हुई है, तो ये वाली बेस ड्रॉ करेंगे। 4.5 सेंटीमीटर बेस ड्रॉ करते हैं। आप अपनी कॉपीज पे 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए मैं बड़ा स्केल ले रहा हूँ। ये 4.5 सेंटीमीटर जी एक्स लेंथ ड्रॉ की, जी एक्स या एक्स सी, ये 4.5 सेंटीमीटर। एंगल जी 90 डिग्री है तो एंगल जी इधर ड्रॉ करेंगे या इधर? एंगल जी इस जगह पे ड्रॉ करेंगे। एंगल जी 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे? एंगल्स पे एक मैंने वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एंगल्स कैसे कंपस से ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं वो मैं अभी बताने वाला हूँ। कंपस लेंगे जी की टिप पे, जी पे रखेंगे उसकी टिप, और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। आर्क ड्रॉ की उतना ही कंपस खुला रख के जिधर इस लाइन को कट किया उधर टिप रखेंगे, कट करेंगे। अब जिधर कट किया ये बन गया 60 डिग्री, यानी कंपस अब खुला हुआ है 60 डिग्री का। अगर 60 पे रख के मैं आगे एक और आर्क कट करूं तो 60 ये था, 60 में और 60 ऐड कर दें 120 बनता है, ये पूरा बन चुका है अब 120। इधर लिख लेते हैं कि ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, हमें चाहिए 90 डिग्री। तो हमें देखना है कौन से दो एंगल्स का मिड लें तो 90 डिग्री आएगा। ये 0 है, ये 60 है, ये 120 है। 0 और 60 का मिड होता है 30, 60 और 120 का मिड होता है 90, 60 और 120 नंबर्स के मिड में 90 आता है, एंगल्स के मिड में भी 90 ही आता है। तो इन दोनों का मिड ले लेंगे, इन दोनों का सेंटर लेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। सेंटर लेने के लिए 120 पर रख के एक आर्क कट करेंगे, 60 पर रख के एक आर्क कट करेंगे, और इस पॉइंट को जिधर इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया, दोनों आर्क से इंटरसेक्ट किया, उसको पॉइंट जी से मिला देंगे, जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। ज्वाइन करते हैं और 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं। जिधर इंटरसेक्ट किया उसको पॉइंट जी से जोड़ देना, पॉइंट जी से जोड़ के इसको एक्सटेंड कर दिया। अब ये जो एंगल बन चुका है ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल को डब्बे से शो करते हैं। एक्स जी लेंथ 4.5 सेंटीमीटर, एंगल जी 90 डिग्री, एक चीज़ रह गई एक्स वाई 5.5 सेंटीमीटर, यानी एक्स की वाई से लेंथ, वाई किधर होगा? इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा क्योंकि ये और ये लाइन इसी तरह होनी है। इस पर कोई एक पॉइंट वाई है जिसका फासला एक्स से 5.5 सेंटीमीटर है, उसके लिए कंपस ओपन करेंगे 5.5 सेंटीमीटर, कंपस जीरो पे रख के टिप और कंपस ये मार्कर की निब को 5.5 पे रख के ओपन करेंगे, टिप रखेंगे एक्स पे, टिप एक्स पे रख के इसको ऐसे कट करेंगे। ये इस जगह पे कट किया यार बनी इस जगह पे, तो इस पॉइंट को एक्स से मिला देंगे। ये पॉइंट वाई मिल गया हमें, पॉइंट को एक्स से मिला दिया। एक्स वाई जी एक ट्राइंगल बनी जिसके अंदर एक्स वाई लेंथ 5.5 सेंटीमीटर है, जेड एक्स लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल जी 90 डिग्री है, ये एंगल जी 90 डिग्री। एक दफ़ा इस पर रिवाइज करते हैं ये कैसे किया था।
ये दो साइड्स गिवन थी, एक एंगल गिवन था, एंगल की बात कौन सी साइड में हुई इस सेकंड वाली, तो सेकंड वाली ड्रॉ कर ली। अगर एक्स वाई ड्रॉ कर लेते तो एंगल जी किधर ड्रॉ करते, इधर एक्स होना था इधर वाई होना था, एंगल जी ड्रॉ नहीं कर पाते, एक्स और वाई था, जी तो था नहीं, जी कहाँ पे ऊपर कहीं था तो ड्रॉ नहीं कर सकते थे। जी एक्स जब ड्रॉ किया तो जी पे हम एंगल 90 डिग्री ड्रॉ किया, लाइन एक्सटेंड की, एक्स वाई 5.5 है, कंपस लिया 5.5 ओपन किया, कट किया, जहाँ पे कट किया उधर से लाइन ड्रॉ की। तो एक ऐसी ट्राइंगल बनाना सीखी जिसके अंदर एंगल 90 डिग्री गिवन हो, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 था।